अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम औरंगाबाद महाराष्ट्र। आज आप लोगों के लिए मेरे फार्म पर की एक बीटल नस्ल की बकरी लेकर आया हूँ। क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, प्योरेस्ट बीटल क्वालिटी है। शाइनिंग से लेकर साइज़, इसकी जो रोमन नोज, कानों की लेंथ, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। मिल्किंग में भी काफ़ी अच्छी है। और एक ख़ास बात जो मैं हर एक वीडियो में आप लोगों से कहता हूँ, जो अक्सर बड़े साइज़ की बकरियां होती है वो वीडियो में छोटी नज़र आएगी आप लोगों को। 19-20 का फ़र्क होता है हर एक बकरियों पर, और इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को, ज़्यादा तो फ़र्क नहीं होता है, लेकिन कैसा होता है जब सामने देखते हो आप लोग चीज़ अलग दिखती है, और जब आप वीडियो पर देखते हो अलग दिखती है। 19-20 का फ़र्क होता है, इसी बकरी के लिए कह रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि ये साइज़ जो है इसका काफ़ी अच्छा बड़ा साइज़ का है और काफ़ी अच्छी हाइट की बकरी है। तो इसीलिए कहता हूँ, अगर आप लोगों को ये बकरी लाइव देखना है तो लोकेशन मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप लोगों को मेरा नंबर भी दे दिया हूँ मैंने, मुझसे कांटेक्ट करें, कॉल करें, व्हाट्सअप करें, जो भी बातें हैं आप लोग कॉल से भी कर सकते हो। और ये मेरे फार्म पर की ही बकरी है, मेरे पास एक टाइम ब्रीडिंग हो चुकी है इसकी, और मेरे फार्म पे जो बच्चे आए थे मैंने उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाया था अपने चैनल पर। अगर अब तक देखा नहीं है तो आप लोगों को ऊपर उसकी लिंक आ रही होगी, वो देख लीजिए। और साथ ही में इसी वीडियो के एंड में भी आप लोगों को इसकी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से ज़रूर देखिए। तो काफ़ी अच्छे बच्चे आए थे मेरे पास। इस बकरी ने भी दो बच्चे दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। अब एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा मैं जो ब्रीडिंग सेटअप चलाते हैं उनके लिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और वो सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा मैं। मेरे ज़रिए से कुछ ना कुछ अगर फ़ायदा होगा तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, तो वो एक अलग टॉपिक बनेगा उसका। तो आते हैं इस बकरी की तरफ। माशाल्लाह कानों की लेंथ देखिए, काफ़ी बड़े कानों में है, और बॉडी में जो शाइनिंग है इसकी, ये नेचुरल शाइनिंग है इसकी, किसी टाइप का इस पर कुछ ऑयलिंग वगैरह या फिर आप लोगों को कुछ गलत चीज़ करके नहीं बता रहे हम लोग, ना इसको मैंने वॉश किया हूँ, ये जैसी है वैसी ही वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। पीछे के जो बाल निकाले हुए हैं इसके, इसीलिए ऐसी नज़र आ रही है, क्योंकि जब बर्थ होती है तो मैं अक्सर पीछे के थोड़े से बाल निकालता हूँ ताकि वो फ्रेश रहे। और काफ़ी अच्छी मिल्किंग की बकरी है, अभी सिर्फ 8 दांत करी है फ्रेश। दांत की वीडियो, हाइट की वीडियो, जैसे आप लोगों को देखना है तो आप लोग मुझसे बोलिए, मैं आप लोगों को वैसी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और फिर से मैं दोहराता हूँ, ये बकरी मेरे फार्म पर की है, वेल सेटल्ड बकरी है, वैक्सीनेटेड बकरी है, यानी महाराष्ट्र के क्लाइमेट में आपको एक सेट बकरी मिल रही है। वैसे मैं अपने वीडियोज़ में कहता भी हूँ कि आप लोगों को ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंसान ब्रीडिंग सेटअप चलाता है तो उसकी मेहनत के और उसका जो उसके ऊपर खर्च हुआ है उसके हिसाब से उसकी प्राइस कोट करता है। इसका जो आस्किंग प्राइस है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया हूँ, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में इसका प्राइस भी चेक कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन जहाँ तक हो सके वहाँ तक करवा दूंगा। जो प्राइस मेंशन किया हो वो विदाउट ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन जितना लगता है फाइनल डील होने के बाद, जो भी मेरा प्राइस है वो नेगोशिएबल है। फाइनल डील होने के बाद जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन लगता है आप लोगों को बता दिया जाएगा, वो आपको देना होगा। क्वालिटी देखिए, कानों की लेंथ देखिए, रोमन नोस, वाइट आइस की बकरी है, मिल्किंग में भी काफ़ी अच्छी है, शाइनिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है, फ्रेम बड़ा है, और इसकी जो हाइट मैंने गिना था वो 36-37 इंच है। और जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया, आप लोगों को आपकी श्योरिटी के लिए मैं वीडियो भी बता दूंगा हाइट और दांत की। वेट तो किया नहीं हो, लेकिन आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हो, और एक मेरे अंदाज़ से इसका 50+ आराम से वेट आ जाएगा। मिल्किंग भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैंने निकाला नहीं हो, लेकिन आप लोग एक देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइव आइए, अगर कहीं बाहर से हो तो आप लोगों को जहाँ तक हो सके ट्रांसपोर्ट भी करवा दूंगा। और ऐसे ही नई आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स करते रहिए हमारे वीडियोस पे, ताकि हम लोगों को आपका जो राय है, जो आपके मशवरे वो समझ में आए हमें। और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए हर ब्रीड के बकरे बकरियाँ लाते रहूँगा, ताकि किसी दिन आपकी भी काम की कोई जो जानवर आप लोगों को पसंद है शायद मेरे चैनल के ज़रिए से दिख जाए। और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।